हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट, जो कि आपके अपकमिंग EPFO SSA एग्ज़ाम में आएगा। कॉम्प्रिहेंशन इज़ लाइक अ RC, जो आप लोग इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं ना, वैसा ही है। इसमें एक पैसेज दिया होगा, या तो वो सोशल इशू के बारे में होगा या इकोनॉमिक से रिलेटेड होगा, और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होंगे। बट ये क्वेश्चन आपको लिखना है, मतलब टाइप करना है आपके कंप्यूटर स्क्रीन में। क्वेश्चन में लिखा होगा कि एक पैसेज दिया होगा, लिखा होगा कि फ्रॉम द अबव पैराग्राफ ब्रीफली एक्सप्लेन द गिवन क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन दिया होगा पैसेज से रिलेटेड, आपको उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कोई भी पैसेज आया होगा, चाहे वो शॉर्ट पैसेज हो या लॉन्ग पैसेज हो, आपको पूरा पैसेज अच्छे से पढ़ लेना है कि वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उसका पैसेज का टोन या थीम क्या है। ये आप एक बार पढ़ के समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन पे आइए और फिर आप अच्छे से क्वेश्चन को रीड करके, थॉरली रीड करके उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में जो आपको करना है। अब जो पैसेज है, या तो आपके एग्ज़ाम में कोई एक शॉर्ट पैसेज आ सकता है, उसके 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, और एक और शॉर्ट पैसेज आ सकता है, 2 या 3 शॉर्ट पैसेज आ सकते हैं जिसके 2-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा भी आ सकता है। या फिर एक लॉन्ग पैसेज आ सकता है जिसके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, उसको आपको करना है। और कभी कभी क्या होता है, आपका जो प्रिसाइज का जो पैसेज दिया है उसी से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन दे देंगे, वही आपका कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट होगा। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आप लोगों को दे देती हूँ, जब भी आप कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट करें या डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कोई भी पार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आप लेटर लिखेंगे, उसके बाद ऐसे लिखेंगे, और लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन में आएंगे। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आपको एक लॉन्ग पैसेज दिया है, फिर भी आपको आंसर को सॉल्व करने के लिए बार बार पैसेज को पढ़ना पड़ेगा, आंसर देखने के लिए, मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बार बार पैसेज देखना पड़ेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो लेटर और ऐसे आप जल्दी से लिख लेंगे, कॉम्प्रिहेंशन को आप लास्ट में रखिए। और कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट पैसेज आ जाएंगे, तो आपको हर बार पैसेज पढ़ना पड़ेगा, तो यहाँ भी आपका टाइम जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप लेटर ऐसे करेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। होप आप सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। मैं ऐसा एग्जांपल का पैसेज दे देती हूँ जिसे आप और अच्छे से समझेंगे। और कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको याद रखना है कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते वक्त। फर्स्ट, आप पूरा पैसेज अच्छे से रीड कर लेंगे, पूरा पैसेज आपको पैसेज समझ में आ जाएगा। सेकेंड, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप पैसेज से उठा के कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे होंगे, पैसेज से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। उसका आपको अपने ओन लैंग्वेज में पैसेज को पढ़कर उसके क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना है। तीसरी पॉइंट आप ये याद रखेंगे कि आप जल्दी से, मतलब आप रश में मत पढ़िए कि जब हड़बड़ी में आप पढ़ लिए और आपको पैसेज समझ में नहीं आया, तो आपको ये गलती नहीं करना है। और फोर्थ, की जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होंगे या कीवर्ड्स होंगे, उसको लिख लीजिए, ताकि आप जब आंसर टाइप कर रहे होंगे तो आपको उसका हेल्प मिलेगा। तो अब मैं आपको एक सिंपल सा पैसेज दे देती हूँ, आप उसको रीड करिए पॉज करके, और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन दिया है, और उसको सॉल्व करके देखिए आपसे वो बन रहा है कि नहीं। तो ये एक सिंपल सा पैसेज है जो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए रखा है, ताकि जो लोग पहली बार मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखने जा रहे हैं, उनको समझने में आसानी हो। तो आप इसको पढ़िए, पॉज करिए, और जो आगे मैं क्वेश्चन दूंगी उससे रिलेटेड खुद सॉल्व करके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर फूड्स आर फूड्स दैट प्रोवाइड रिच लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर, पोटेशियम एंड मिनरल्स। यहाँ पर लिखा गया कि जो पावर फूड्स हैं वो हमें न्यूट्रिशन, फाइबर, पोटेशियम और मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं। विथ
with people becoming increasingly health conscious today a lot of fitness trainer encourage their client to include this food in their daily diet. Of course, the key to enjoy power food is proper preparation of this food. The use of seasons fresh foods and identifying your choice of flavor among power food. तो इसमें ये बताया गया है कि पावर फूड है जिसे हमें फाइबर पोटेशियम और मिनरल्स मिलते हैं, जो आजकल बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं तो वो अपने फिटनेस का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और डाइट लेते हैं और जो मेन सीजन फ्रेश फूड है वो सब लेते हैं, उसके बारे में बताया गया है. आगे पढ़ते हैं. सम ऑफ द रिकमेंडेड पावर फूड कॉम्बिनेशन आर दोज दैट आर प्रिपेयर्ड इन आवर किचन्स ऑन अ रेगुलर बेसिस. Take for instance the combination if chickpeas and onions. यहाँ लिखा गया है कि ऐसे बहुत सारे पावर फूड है जो हमारे किचन में हमें मिलते हैं, उनमें से एक chickpeas और onions. This combination is a powerful source of iron which is required by body to transport oxygen to its various part. ये हमारे body के लिए बहुत ज़रूरी, ये हमें oxygen provide करते हैं. Iron deficiency can lead to anemia. आयरन डेफिशेंसी से हमें अनीमिया हो सकता है, फैटिक, थकावट हो सकता है, ब्रेन फॉग एंड टायर्डनेस. अ स्टडी बाय द जनरल ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड केमिस्ट्री से दैट सल्फर कंपाउंड इन ओनियन एंड गार्लिक हेल्प इन ऑब्जर्वेशन ऑफ आयरन एंड जिंक फ्रॉम चिकपीस. एक स्टडी के अनुसार सल्फर कंपाउंड जो ओनियन में पाया जाता है और गार्लिक में, वो हमें एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. द कॉम्बिनेशन इज अ हिट विथ टीनेजर्स हु नीड टू बी डेलीजेंट. डेलीजेंट का मतलब है जो केयरफुली अपने फूड आइटम को चूज़ करते हैं, ठीक है, केयरफुली किसी भी चीज़ को ध्यान रखते हैं कि उन्हें क्या खाना है. अबाउट गेटिंग आयरन इन द डाइट. अ क्विक वे टू प्रिपेयर दिस पावर फूड इज़ टू मेक अ चिकपी सलाद विथ अ चॉप्ड ऑनियन, चाट मसाला एंड सिलेंट्रो. यहाँ लिखा गया है कि जल्दी से क्विक रेसिपी ये है कि आप चिकपी का सलाद बनाइए, उसमें ऑनियन और चाट मसाला डालिए. अनदर फेवरेट कॉम्बिनेशन विथ पावर फूड टेक्स इज योगर्ट एंड बनानास. दूसरा जो पावर फूड है वो आपका दही और केला है. दिस मे फॉर अ परफेक्ट स्नैक आफ्टर अ रफ गेम ऑफ फुटबॉल. जो लोग फुटबॉल खेलते हैं उसके बाद ये बहुत अच्छा स्नैक है, वो ले सकते हैं. Exercising burns glucose and thus lowers blood sugar. Yogurt is packed with protein that help preserve muscle mass and bananas and packed with a carbohydrate that help in refueling energy and preventing muscle soreness. जो बनाना और जो दही है उससे आपके जो लोग थक जाते हैं, जिनके soreness मतलब होता है जिनके body में थोड़ा pain होता है, वो लोग के लिए अच्छा है. A quick and easy recipe. A quick and easy recipe with bananas is a banana smoothie topped with a cool yogurt. एक easy recipe है कि आप banana smoothie बना सकते हैं, उसके ऊपर आप yogurt का topping कर सकते हैं. Among beverages, green tea is the best source of cations that are effective in halting oxidative damage to the cells. अब cation का मतलब ये है होता है कि जो antioxidant है, एक तरीके का जो सेल डैमेज हो गए हैं उसको रीजनरेट या फिर प्रोटेक्ट करता है, प्रिजर्व करता है. ओके. अकॉर्डिंग टू द रिसर्च एट द पर्ची यूनिवर्सिटी, एडिंग अ डैश ऑफ लेमन जूस टू ग्रीन टी मेक्स द कैथाइंस इवन मोर इजली एब्जॉर्बल बाय बॉडी. एक स्टडी के अनुसार लेमन जूस को अगर ग्रीन टी में मिलाए तो वो बहुत जल्दी से एब्जॉर्व करेगा हमारे बॉडी. So the next time you have instead of friends serve them round of iced green tea with mint and lemon juice. अगली बार जब आप अपने दोस्तों से मिले तो उन्हें एक iced tea with mint और lemon juice दें. Okay, तो आप पैसे समझ गए होंगे कि ये पावर फूड के बारे में है. पावर फूड के बारे में है कि हमें क्या क्या लेने से हमारा डाइट अच्छे से रहेगा और हेल्थी रहेगा. अब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आपको आपके कंप्यूटर स्क्रीन में टाइप करना दिएगा. मैं यहाँ बेसिक क्वेश्चन दी हूँ, आप पहले खुद से लिखिएगा और देखिएगा कि आप इसका सॉल्व कर पा रहे हैं. जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर पावर फूड्स. तो
तो इसका आंसर हमने पहले यहाँ पढ़ चुके हैं कॉन्टेक्स्ट में कि पावर फूड्स क्या है, यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है। आपको अपने उन वर्ड्स में लिखना है तो लिखेंगे आप पावर फूड्स आर फूड्स विच प्रोवाइड रिच लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर पोटेशियम एंड मिनरल्स। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द पार्टेकिंग? पार्टेकिंग मतलब होता है समथिंग टू ईट और ड्रिंक, मतलब हमें क्या लेना चाहिए पावर फूड में। व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द पार्टेकिंग ऑफ पावर फूड्स? ओके, तो इसका आंसर कि हमें क्या क्या लेना चाहिए जो सेकंड पैराग्राफ में है, पावर फूड्स शुड बी प्रिपेयर्ड प्रॉपरली यूजिंग सीजन फ्रेश फूड एंड आइडेंटिफाइंग वंस चॉइस ऑफ फ्लेवर अमॉन्ग पावर फूड्स। तो आपको ऐसे ही अपने ओन वर्ड्स में जो पैसेज में लिखा गया है, ओन वर्ड्स मतलब जो पैसेज में लिखा गया है, वैसे ही आपको आंसर लिखने हैं। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाई इज योगर्ट एंड बनाना सन एनरिचिंग पावर फूड? ओके, योगर्ट और बनाना पावर फूड क्यों है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर मैं लिखती हूँ, ये भी सेकेंड या थर्ड पैराग्राफ में होगा, आप देख लीजिएगा। योगर्ट इज अ फुल ऑफ प्रोटीन्स दैट हेल्प प्रिजर्व मसल मास एंड बनानास and bananas are packed with carbohydrates that help in refueling energy and preventing muscle soreness। ठीक, तो और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप खुद से लिखेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि व्हाट इज़ द की टू एंजॉयिंग पावर फूड इन होलसम वे। आप चाहे तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन में टाइप करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट समझ में आ गया होगा। एंड अगर और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए प्लीज़ नीचे कमेंट करके बता दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।